बिहार के एडीजी ने तमिलनाडु की घटना पर लिया बड़ा एक्शन। आपको बता दें कि जो भ्रामक वीडियो फैलाने वाले युवक पर 4 लोगों पर FIR दर्ज किया गया है। 10 सदस्यीय टीम जो है वो बिहार आर्थिक अपराध इकाई के द्वारा जो है गठन किया गया और उसके बाद जो है एक को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसका नाम अमन कुमार बताया जा रहा है। वो व्यक्ति गिरफ्तार हो चुका है। आपको बता दें कि इसके बाद मोबाइल से ये सारे वीडियो पोस्ट किए गए थे, जिसका साक्ष्य प्राप्त हुआ है और 3 व्यक्ति को जल्द से जल्द आर्थिक अपराध इकाई के द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाएगा। यह भ्रामक वीडियो जो फैलाया गया था, ये वीडियो बिहार और झारखंड के व्यक्ति का था, जो आपस के विवाद के कारण ये घटना घटी थी। इसको लेकर ये भ्रामक वीडियो को फैलाया गया और उसके बाद जो है पूरे बिहारियों और हिंदी भाषी लोगों के अंदर वहां से भगाने की खबरें सामने आने लगी थी। इसको लेकर बिहार के ADG ने इसके बारे में जानकारी देते हुए क्या कुछ कह रहे हैं, पहले वो आप जरा गौर से सुने। एक अन्य महत्वपूर्ण विषय जो आप हमें पूछते हैं उसके बारे में बता रहा हूँ। तमिलनाडु राज्य में प्रवासी बिहारियों के निवासियों के साथ कतिपय हिंसात्मक घटनाओं को जोड़कर संबंधित सोशल मीडिया पर जो वीडियो प्रसारित हो रहे थे, उसके आलोक में आर्थिक अपराध इकाई द्वारा कार्रवाई की गई। आर्थिक अपराध इकाई के नेतृत्व में, आर्थिक अपराध इकाई के अंतर्गत वहाँ पर एक पुलिस अधीक्षक स्तर के पदाधिकारी के विरुद्ध 10 सदस्यीय विशेष जांच का दल का गठन किया गया और इस गठन के उपरांत में बहुत सारे सत्यापन हुए। कुल 30 इस तरह के वीडियो, लिंक, पोस्ट और SMS मिले हैं, जिसका कि पुलिस अभी जांच कर रही है। उसमें 4 वीडियो और 4 जो हमारी भ्रामक न्यूज़ थी और जो उकसाने वाली थी, भड़काने वाली थी, उस पर पुलिस के द्वारा नामजद प्राथमिकी दर्ज कर दी गई है। उसमें एक अभियुक्त को गिरफ्तार भी कर लिया है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो व्यक्ति गिरफ्तार किया गया है वो अमन नाम का है, जो जमुई का रहने वाला है। उसके द्वारा जो वीडियो अपलोड किया गया था वो वीडियो पूर्णतया असत्य, भ्रामक और पूर्व में घटित घटना के संबंध में था, जिसको कि इस आज कल में जो घटनाएं वहां हो रही हैं उससे जोड़ के बनाया गया था। एक उसमें वीडियो था जिसमें दिखाया जा रहा था कि हत्या कर दी गई है बिहार के लोगों की और मारकर लटका दिया गया। यह घटना जांच में पाया गया कि सुसाइड की घटना थी और घटना इसको हत्या का रूप दिया गया। पुरानी घटना थी और तमिलनाडु की थी, उसको बिहार के लोगों को मार के लटकाने वाला वीडियो बनाया गया। इसी तरह से एक और वीडियो को जारी किया गया जिसमें था कि बिहार के रहने वाले लोगों के साथ में वहाँ के स्थानीय निवासी मारपीट कर रहे हैं, जबकि यह पाया गया कि झारखंड एवं बिहार के बीच की घटना है, इसमें तमिलनाडु का कोई लेना देना नहीं है। और पत्नी की के ऊपर कोई कहा सुनी और कमेंट हो गया था, उसके कारण दोनों लोगों के बीच झगड़ा हो गया था। ये झारखंड और बिहार के लोगों के झगड़ा था, वहाँ पर हुआ था, उसको ये इस तरह से प्रसारित किया गया कि ये ऐसा लगता है कि तमिलनाडु के लोग बिहार के लोगों के साथ मारपीट कर रहे हैं। इस वीडियो को भी गलत पाया गया और इसकी भी जांच की गई आर्थिक अपराध इकाई के द्वारा। इसके अलावा तमाम उकसाने वाले, भड़काने वाले मैसेज और पोस्ट भी वहाँ किए गए हैं और उसके संबंध में भी जो है हम लोगों ने 4 लोगों पर नामजद, जो हमारे गड़बड़ पोस्ट थे, वीडियो थे, उस पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। एक व्यक्ति को हमने गिरफ्तार किया है जो अमन कुमार सन ऑफ मनोज रविदास, थाना लक्ष्मीपुर, जिला जमुई का रहने वाला है। उसके पास जो मोबाइल बरामद हुआ उसमें तमाम बहुत सारी पोस्ट, वीडियो और ऐसे साक्ष्य मिले हैं, जो पता चलता है कि वो उसके द्वारा इन वीडियो को काफ़ी ज़्यादा संख्या में शेयर और अपलोड किया गया था। 26 अन्य वीडियो और लिंक की जांच की जा रही है। तो आपने सुना कि किस तरीके से बिहार आर्थिक अपराध इकाई के द्वारा टीम गठन किया गया और उसके बाद जो है इसकी जांच की गई। ये वीडियो, भ्रामक वीडियो फैलाया गया है, आपसी रंजिश, आपसी लड़ाई को कहीं ना कहीं दूसरा रूप दिया गया और जिसके बाद जो है ये मामला तुल पकड़ लिया गया और इस मामले पर एक व्यक्ति की गिरफ्तारी हो चुकी है और अभी भी 3 व्यक्ति फरार है। इसको लेकर छापेमारी की जा रही है बिहार आर्थिक अपराध इकाई के द्वारा। ऐसे में लगातार जो बिहारी हैं और जो हिंदी भाषी लोग हैं वो कहीं ना कहीं बिहार की ओर और अन्य राज्यों यानी झारखंड की ओर रुख कर रहे हैं, कई जिलों की ओर रुख कर रहे हैं। ऐसे में लगातार
तमिलनाडु से बिहार की ओर लगातार लोग बढ़ रहे हैं। इसको लेकर बिहार के एडीजी ने सीधे तौर पर कह दिया कि ये भ्रामक वीडियो है और आपसी रंजिश की आपसी लड़ाई को कहीं ना कहीं दूसरा रूप दिया गया। इसको लेकर अभी भी 3 लोग फरार हैं। वहीं आपको बता दें कहीं ना कहीं इसको लेकर जो है अब एक्शन, बड़ा एक्शन बिहार के एडीजी ने ले लिया है। अपने सहयोगी कैमरामैन विकास के साथ बने रहे देश न्यूज के लिए और देखते रहे देश न्यूज। हाईटेक की दुनिया में झारखंड में पहली बार आपके शहर रांची में मॉड्यूलर फर्नीचर की डिमांड बढ़ी है, जिसे देखते हुए घर के इंटीरियर से लेकर आउटडोर बरामदे मॉड्यूलर किचन की बेहतरीन खूबसूरती के लिए हम आपके लिए लेकर आए हैं मॉड्यूलर फर्नीचर। जी हाँ, झारखंड के कटरू ब्रिज के समीप फ्रेंच मॉड्यूलर फर्नीचर। फ्रेंच मॉड्यूलर फर्नीचर झारखंड प्रदेश का पहला लेटेस्ट मॉडल का प्रतिष्ठान है। इस प्रतिष्ठान में अत्याधुनिक मशीनों के द्वारा सोफा, डाइनिंग टेबल, मॉड्यूलर किचन के साथ कमर्शियल प्रोजेक्ट को कम समय में ही अच्छी फिनिशिंग और कम बजट में तैयार किया जाता है। तो फिर देर किस बात की, चले आइए झारखंड के कटरू ब्रिज के समीप मॉड्यूलर फर्नीचर में, जहाँ आपके घर का हर सपना होगा साकार।